बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख निहालम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस मुल्तान। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन। बेसिकली ये चैप्टर थ्री पार्ट्स में मुश्तमिल है, मसल्स, स्केलेटन एंड स्किन, यानी कि जो हमारा मसल्स होते हैं उन पे हमारा ढांचा, स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो ढांचा, और स्किन जिल्द। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है स्किन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन होता क्या है, किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, और हमने देखा था कि हड्डियों से बना हुआ एक फ्रेमवर्क होता है जो कि जिसम को मतलब काम करने में हेल्प करता है। फिर हमने इसके फंक्शंस देखे थे और हमने ये कहा था कि जो एक अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, ढांचे में जिसके बाद हमने प्रीवियस जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जहां से छोड़ा था वो ये थे कि स्केलेटन सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। जो हमारे पास आज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, एक्सियल का वर्ड एक्सिस से निकले। ठीक है, यानी कि वो स्केलेटन यानी कि हमारे ढांचे का वो हिस्सा जो कि हमारे बॉडी के एक्सिस से गुजरता है उसको हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। एक्सिस क्या होते हैं, वैसे तो एनाटॉमी के लिहाज से हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्सिस होते हैं, लेकिन सिंपल आप कह सकते हैं कि जब भी अगर एनाटॉमिकली या इमेज हम सोचें हम अपनी बॉडी को हाफ हाफ आधे आधे हिस्सों में तकसीम करें तो इसको हम एक्सेस कह सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट राइट हो या ऊपर नीचे हो, लेकिन एक जैसे हो और वो लाइन के जरिए। ठीक है, तो उसको हम एक्सेस कहते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमारा बेसिकली इसमें वो हमारे, अगर आसान वर्ड्स में देखें इसका कंसेप्ट, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारे वो तमाम पार्ट्स आते हैं जो कि हमारे जिस्म के साइडों पर मौजूद नहीं होते, दरमियान में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बाजुएं हैं, टांगे हैं, ये साइड पर जाती हैं, इनको एक्सक्लूड करके जो बाकी हमारे पार्ट्स आते हैं वो हमारे पार्ट्स जो होते हैं वो जो बिल्कुल मिड में आते हैं जिस्म के। ठीक है, वो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे 80 बोन्स होती हैं। टोटल हमारे बोन्स की तादाद कितनी थी अडल्ट ह्यूमन में, 206। तो 80 बोन्स जो है वो एक्सियल में होती है एंड 126 बोन्स जो है वो हमारी अपेंडिकुलर में होती है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन है, इंसानी जिस्म के सर और ट्रंक में इसी हड्डियों पर मुश्तमिल ढांचे को एक्सियल ढांचा कहते हैं। एक्सियल ढांचा का एक बड़ा मकसद वाइटल ऑर्गन्स की हिफाजत करना है। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन कहते हैं पार्ट ऑफ बॉडी को। ठीक है, हमारे जिस्म के वो हिस्से जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन। जैसे हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, इस तरह के, और किडनी हो गए, यानी कि वो हमारे जिस्म के हिस्से जो अगर काम करना बंद कर दे तो इंसान की मौत हो सकती है, जिनके बगैर हमारी जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, उन पार्ट्स को हम कहते हैं वाइटल ऑर्गन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी आई है, वो वैसे तो जरूरी है लेकिन वाइटल ऑर्गन इस सेंस पे नहीं है कि अगर आंख नहीं काम करती है खराब हो जाती है, इंसान जिंदा तो रह सकता है लेकिन अगर हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर दे तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो तमाम ऑर्गन जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उनको हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं। बेसिकली एक्सियल ढांचा या एक्सियल जो स्केलेटन होते हैं उसके पांच हिस्से होते हैं, खोपड़ी जिसको हम स्कल कहते हैं, अंदरूनी कान की हड्डियां, गले की हड्डी जिसको हायाइड बोन कहते हैं, छाती या पसलियां, और छाती में हमारी पसलियों के साथ सीने की हड्डी भी आती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ये बेसिकली आप लोगों के पार्ट्स हैं, आप इनको देख लेते हैं डिटेल से। इट कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट, सिंपल स्कल, ठीक है, खोपड़ी थी, हमारे आगे बोन्स होती है मिडल ईयर, दरमियाने कान की जो होती है वो हड्डियां, ठीक है, हायाइड बोन, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये जो होती है ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे एक्सियल के होते हैं।
सबसे पहला पार्ट जो है वो स्कल है, यानी कि हमारी खोपड़ी। हमारी खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। हमारी खोपड़ी के पार्ट में सिर्फ हमारे दिमाग का हिस्सा नहीं आता, ठीक है, हमारा सर या दिमाग इसमें नहीं आता, बल्कि हमारे चेहरे का हिस्सा और हमारे सर के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें हमारा दिमाग मौजूद होता है, ये सारा खोपड़ी कहलाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि खोपड़ी जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, सर की हड्डियों पे और चेहरे की हड्डियों पे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो है वो हमारे पास 22 बोन्स होती हैं। स्कल में क्रेनियल बोन्स होती हैं, यानी कि जो हमारे सर की हड्डियां हैं वो 8 होती हैं। फेशियल, फेशियल का वर्ड फेस से निकला है, जो हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं वो 14 होती हैं। कुछ पेयर्स में होती हैं, कुछ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड बोन्स हमेशा सिंगल होती हैं, एक ही होती हैं, ठीक है। जो पेयर्ड बोन्स होती हैं वो दो होती हैं, एक पेयर में दो हड्डियां मौजूद होती हैं। स्कल बोन्स प्रोटेक्ट ब्रेन एंड फॉर्म एन एंट्रेंस टू द बॉडी। स्कल बोन्स जो होती हैं हमारी खोपड़ी की हड्डियां क्या करती हैं, हमारा जो दिमाग है उसकी हिफाजत कर रही होती हैं, और हमारे जो फेस है उसकी या हमारे बॉडी की एंट्रेंस बना रही होती है। किस तरीके से, जैसे हमारी नोज की नेजल कैविटी है, ये हमारी नोज की बोन्स है, ठीक है। यहाँ से हमारे हवा के दाखिल होने का रास्ता बनता है, और हमारे ये दांतों के दरमियान ये जो हमारा लिप्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये खुला हुआ होता है, यहाँ से हम खाना खाते हैं और पानी वगैरह पीते हैं। इस तरह से एंट्रेंस करती है हमारी बॉडी की। और हमारे कान है, ठीक है, जहाँ से हमारी साउंड वेव्स दाखिल होती हैं, जिनकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो ये सारे पार्ट्स भी बेसिकली जो हमारी होते हैं इसमें आते हैं। क्रेनियल बोन्स कहते हैं सर की हड्डियां, जिन्होंने दिमाग को कवर किया होता है, जिसमें कनपट्टी आती है, ये हमारे सर के ऊपर वाली और साइडों वाले तमाम हिस्से आते हैं, पीछे वाले सर की हड्डी, ये सारी क्रेनियल बोन्स आती है। फेशियल बोन हमारे चेहरे की हड्डियां होती है, 14 होती है। नेक्स्ट है, ये एक डायग्राम है, ठीक है, हमारे पास, जिसमें ये ऊपर वाली तमाम हड्डियां जो कि दिखाई गई हैं, ये वाली सारी की सारी, ये हमारी ये माथा, ठीक है, ये कनपट्टी, ये दरमियान वाला हिस्सा जो होता है हमारे दिमाग, ये हमारे सर का, ठीक है, जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये जो पीछे वाला पार्ट था हमारी स्कल का, ठीक है, ये जो बिल्कुल गर्दन से नीचे, गर्दन से ऊपर होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला सारे का सारा पार्ट मिलके क्रेनियल बोन्स कहलाता है। और बाकी जो हमारे चेहरे की हड्डियां जिसमें हमारी 14 हड्डियां होती हैं, वो फेशियल बोन कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ईयर बोन्स, ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट, जो हमारा स्कल है इसकी जितनी भी हमारी खोपड़ी की हड्डियां, वो कोई भी हड्डी मूव नहीं कर सकती, सिर्फ एक हड्डी है जो मूव कर सकती है, मैंडिबल, ये जिस वो वाली हड्डी जिसने हमारी, ये जो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वो हड्डी जिसने हमारे लोअर जॉ को होल्ड किया होता है, ठीक है, ये वाली बोन, मिडल बोन, ठीक है, जहाँ पे बियर्ड होती है बॉस की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। और सिर्फ एक ये वाहिद हमारी स्कल की हड्डी है जो कि मूव कर सकती है, इसके अलावा हमारे खोपड़ी की कोई भी हड्डी मूव नहीं कर सकती, और ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है स्कल की, नॉट आवर बॉडी, हमारे जिस्म की सबसे लंबी हड्डी नहीं होती, ये हमारे सिर्फ स्कल की होती है, ठीक है। हमारे जिस्म की लंबी हड्डी फीमर, जिसे हम रान की हड्डी या थाई बोन कहते हैं, वो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ईयर बोन्स, ठीक है, दरमियाने कान की हड्डियां, ऑसिकल्स भी जिन्हें कहा जाता है, कम्बाइंड, ठीक है, तीन होती हैं, एक कान में तीन हड्डियां मौजूद होती हैं, और चूंकि हमारे दो कान होते हैं इसलिए टोटल 6 हड्डियां होंगी। इनके नाम ये हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। जो स्टेपिस है ये हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है हमारे इन्वायरमेंट से साउंड वेव्स को रिसीव करती हैं और वाइब्रेट होती हैं, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिब केज, ठीक है, रिब्स कहते हैं पसलियों को। हमारे जिस्म में 24 पसलियां मौजूद होती हैं, 12 पेयर्स की सूरत में, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 पसलियां जो होती है मौजूद होती हैं। पसलियों का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये हमारे हार्ट की जो, यानी कि हमारा दिल है उसकी, और हमारे जो दूसरा वाइटल ऑर्गन है लंग्स, उनकी हिफाजत करती हैं, ठीक है। और ये क्या पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके साथ जुड़ी हुई होती है।
रिब केज, ठीक है। और अगर जस्ट हम रिब्स की बात करेंगे तो 24 होती है, और रिब केज में साथ में सीने की हड्डी भी आ जाती है, ठीक है। अगर आप फील करें तो आगे की तरफ हमारे जिस्म में, ठीक है, पसलियों के दरमियान एक हड्डी सी महसूस होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम, यानी कि सीने की हड्डी, या चेस्ट बोन भी कहते हैं इसको, और ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये तो था हमारे पास रिब केज। नेक्स्ट है हायड बोन। हायड बोन कौन सी हड्डी होती है? जो हमारे गले की हड्डी होती है, जिसको हम कह सकते हैं हायड बोन, हमारे गले की नेक बोन भी जिसे हम कहते हैं हमारे गले की हड्डी, ठीक है। ये सिर्फ एक ही होती है और हमारे आगे की तरफ लेरिंग्स के पास मौजूद होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है ये भी, ठीक है, लेकिन जो हमारे ईयर बोन्स है उनसे छोटी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रल कोलन, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं। इसकी 26 हड्डियां होती हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? सर्विकल पार्ट, वो हड्डियां जो कि हमारे वर्टिब्रा, ठीक है, बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इनमें वर्टिब्रास मौजूद होते हैं। इनकी हड्डियों को स्पेसिफिकली जो हम वर्टिब्रा का नाम देते हैं, इनके मोहरों का नाम, ठीक है, मोहरे जिसे उर्दू में कहा जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 मोहरे होते हैं, 26 हड्डियां हम कह सकते हैं। जो सर्विकल रीजन है, यानी कि जो हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा है, इसमें जोन से मोहरे मौजूद होते हैं उनको हम सर्विकल वर्टिब्रास कहते हैं, सर्विकल रीजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में हमारे पास जितना भी हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है, ये सारे का सारा सीने का हिस्सा जिसमें हमारी पसलियां होती हैं, ठीक है, ये सारा इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लंबर रीजन। लंबर रीजन में हमारी बिल्कुल ये नीचे वाला हिस्सा आता है, जो कि हमारी हिप बोन से ऊपर वाला होता है, सैक्रल एंड कॉक्सी, ठीक है। बेसिकली ये हमारी ये जो लास्ट पार्ट है, ये हमारी कूल्हे की हड्डियां बनाते हैं, ठीक है, सैक्रल एंड कॉक्सी बोन। कॉक्सी बोन को टेल बोन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग ह्यूमन डिवेलपमेंट, जब बच्चा बन रहा होता है, उसकी ग्रोथ होनी होती है अभी, ठीक है, जब मदर की बॉडी के अंदर इसकी डिवेलपमेंट स्टार्ट होती है, तो एक छोटी सी टेल होती है जिसे कॉक्सी कहते हैं। जैसे जैसे जो होता है वो बच्चा फिर बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो वो जो है खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ये टेल इंसानी जिस्म से खत्म तो हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट सा जो है वो बिल्कुल मौजूद रहता है, इसको कॉक्सी या टेल बोन भी कहते हैं। सैक्रल जो हमारे कूल्हे की हड्डियां होती हैं, उसको सैक्रल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पांच जो होते हैं वो पार्ट्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। ये वाले पार्ट हमारी बैक बोन, जो हमारी गर्दन से लेके नीचे हमारी हिप बोन तक जारी होती है, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बेसिकली ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, इसमें कर्व्स होते हैं, यानी कि बल होते हैं, चार बल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हम मूव कर सकते हैं। ये इसके ये डिफरेंट रीजन है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट रीजन को शो कर रहे हैं, इसके सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम एंड कॉक्सी, ठीक है, ये जितने भी हैं ये इसके रीजन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या होते हैं, एक्सियल स्केलेटन होता क्या है, कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। आप लोगों ने जस्ट इनके नेम याद करने हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और इसके इसमें कितनी हड्डियां होती हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जिसमें स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, हमारे कान की हड्डी आती है, गले की हड्डी आती है, और साथ में इन हड्डियों की तादाद आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि 80 बोन्स कैसे मौजूद होती हैं हमारे एक्सियल में, एक्सियल स्केलेटन में। स्कल में 22, यानी कि हमारी जो खोपड़ी है उसमें 22 होती हैं, रिब्स में 24 होती हैं, 12 पेयर यानी कि 24 होती हैं, स्टर्नम जो हमारी सीने की हड्डी होती है एक, और मिडल ईयर बोन जो हमारी कान की हड्डी है, ठीक है, एक कान में 3 होती है, तो हमारे 2 कान होते हैं, 3 × 2 = 6, 6 हड्डियां होगी। हायड बोन जिसे हमारे नेक बोन भी कहा जाता है, एक होती है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रा या जिन्हें हम मोहरे कहते हैं, वो 26 होते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे पास 80 हड्डियां होती हैं, जो कि हमारा एक्सियल स्केलेटन को बना रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बाकी की रिमेनिंग होती है वो दूसरा पार्ट में आती है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।